गुड मॉर्निंग गौरवी। कैसी गुड गौरवी, कैन यू ड्रॉप द मैसेज इन द ग्रुप टू प्लीज ज्वाइन। हाय ड्रॉपिश मैम। यस मारिया ड्रॉप इट। या Are people going on holidays from now onwards? Yes, so. Good morning, ma'am. Good morning, Anshul. How are you? I'm fine. How are you? Also good. Thank you for asking. Okay, so only three people have joined. Okay, so I will begin anyways. गौरवी, मैंने आपको मेल करने, ठीक है, आपने मेल किया, बट मैं आपको पीडीएफ कॉपी बनाने बोल रही हूँ। आप समझ रही हो? मेल करो आप या मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे दोनों भी चलेगा, बट मैं बस आपको क्या बोल रही हूँ कि आप मुझे पीडीएफ कॉपी बना के भेजो। आपको पता है ना पीडीएफ कॉपी का सॉफ्टवेयर कौन सा रहता है? हाँ गौरवी, पता है ना? तो फिर क्यों दिक्कत जा रही है आपको? सॉरी, प्रियंका इज हियर। ओके, सो पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में हमने लास्ट बार, लाइक लास्ट टाइम वी गॉट टू नो दैट कि पेंटिंग जो ये सब्जेक्ट है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड हमने कुछ जो स्कल्पचर्स थे, कुछ पेंटिंग के बारे में देखा। तो हमारा जो ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था, सेकेंड यही पे देखेंगे, वो था पेंटिंग हिस्ट्री एंड आर्ट 3000 BCE टू 600 BCE। तो ये इसका एरा कब का था? 3000 BCE टू 600। ओके, बट अभी ये जो चैप्टर है, हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पेंटिंग का, सेम है पेंटिंग हिस्ट्री एंड आर्ट 700 CE टू 1200 CE। ओके, तो एक मिनट, लाइन चार्ट। ओके, तो ये जो है इट्स नॉट क्लियर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे जो है ये टाइमलाइन चार्ट रहता है। देखो 600 बीसी, 800 बीसी, 400 बीसी, तो ये सब बीसी मैंने पहले भी बताया है क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। ओके, जो क्राइस्ट का जन्म होने से पहले के। ओके, एना डोमिनी जो है आफ्टर, तो उनके जन्म के बाद जो जो चीजें हुई थी वो बताते हैं। तो अभी यहाँ पे एक चार्ट देखिए। ओके, एना डोमिनी, और फिर सी का मतलब होता है जो एक कॉमन एरा होता है। ओके, और बी सी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं कि जब भी आप ये चीजें पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए आसानी जाएंगी। ओके, तो ये जो है बिफोर कॉमन एरा, ओके, तो ये क्या टर्म है, ये एक सेक्युलर टर्म है। और ये जो बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी, ये जो है ये क्रिश्चियन टर्म है। ओके, तो बस उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस एक जो है बिफोर कॉमन एरा वही बिफोर क्राइस्ट ही उसको बोलेंगे, एना डोमिनी को कॉमन एरा बोलेंगे। ओके,
सेम ही है. तो ये देखो बर्थ ऑफ जीजस यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको. तो ये जो भी चीजें उसके पहले हुई है वो यहाँ पे आती है, और जो भी चीजें आफ्टर द बर्थ ऑफ जीजस होती है वो एना डोमिनी में आती है. तो आपको ये सब समझ में आ गया अभी? फर्स्ट जो हमारा टाइमलाइन चार्ट है, सब लोग बोलिए. ओके, तो अभी हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम 7th AD टू 12th AD. तो अभी ये दोनों जो है आफ्टर क्राइस्ट. ओके, एना डोमिनी, 7th AD टू 12th AD. अभी देखते हैं. अंशुल, क्या करना है? ध्रुव कैसे ज्वाइन कर रहा है? यहां से आपको ये स्ट्रक्चर तक पढ़ना है और फिर स्टॉप करना है. पढ़िए. The post-Gupta period in India is known for the progress in temple architecture and sculpture. Major dynasties like Pallavas, Cholas, Hoysalas in the south and Pallas, Senas and Gangas in the east patronized in this progress. In the south, in Mahabalipuram or Mamallapuram, we see the Pancharathas and the मंडपा स्ट्रक्चर्स. ओके, तो अभी ये क्या बता रहे हैं? पोस्ट गुप्ता पीरियड. ओके, गुप्तास जो थे, गुप्तास लोगों ने जो रूल किया था उसके बाद का, इसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं ये? पोस्ट गुप्ता पीरियड्स इन इंडिया इज नोन एज प्रोग्रेस, इज नोन फॉर प्रोग्रेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. तो गुप्ता आने के बाद क्या हुआ था? बहुत ज्यादा जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिला था. तो तब की मेजर डायनेस्टीज कौन सी है? विच आर द मेजर डायनेस्टीज? सो पलावास, चोलास, होसलास. तो हमने ये अभी ये पोनिनियो सियोलम जो मूवी है, यस ध्रुव आई विल गेट बैक टू यू, तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें चोलास एम्पायर के बारे में बताया है बैकग्राउंड में ये सब चीजें. तभी ये बता रहे हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन सी डायनेस्टीज थी? पल्लवास थी, चोलास थी, होसलास थी इन द साउथ. ओके, एंड पल्लास, सेनास, गंगास इन द ईस्ट. तो अभी ये जो थी पल्लास चोलास, ये जो थी साउथ में थी, और ईस्ट में कौन सी थी? पल्लास, सेनास एंड गंगास. तो अभी साउथ, अभी एक मिनट. ये जो चीजें है ना, आप ऐसे मगअप करके याद मत करना कभी. अभी देखिए ये इंडिया का मैप है हमारे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो कितने अच्छे से इन्होंने एरोज में दिया है. ये जो वाला पार्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, हो गया जम्मू कश्मीर, आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट में. ओके ध्रुव, टेक केयर, बाय बाय. यू कैन मैसेज मी ध्रुव. ओके, आपको मुझसे बात करनी है, चला गया शायद. ओके ओके ओके, तो ये देखिए नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें जम्मू कश्मीर आते हैं. नॉर्थ ईस्ट में क्या आता है? देखो अपना हिमाचल प्रदेश आ जा रहा है. फिर नॉर्थ में हमारा जो भी है, लाइक विच स्टेट इज हियर इन द नॉर्थ, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश वगैरह आ गया. फिर वेस्ट में हरियाणा आ गया, ईस्ट में तो नॉर्थ में ही दिल्ली भी आ रहा है. फिर यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट में ओडिशा, साउथ साउथ वेस्ट में. तो अभी ये क्या बता रहे हैं हमें? हमें बता रहे हैं कि साउथ में कौन सा, मतलब कौन से डायनेस्टीज थे. साउथ साउथ मतलब जो ये पूरा नीचे का पार्ट आता है ना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला. ओके, तो ये जो नीचे पार्ट आता है वो साउथ आ रहा है. तो साउथ में कौन से डायनेस्टीज थे? पल्लास, चोलास एंड होसलास. ओके, फिर ईस्ट, अभी ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है. ओके, तो ये साउथ में ये डायनेस्टीज थे, और ईस्ट में थे सेनास, गंगास. ओके, और कौन सी थी? पल्लास.
ये ऐसे आप अगर याद रखोगे ना तो आपको ना बहुत अच्छे से दिमाग में रहेगा, आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ईस्ट पैटर्नाइज द प्रोग्रेस, तो पैटर्नाइज का मतलब होता है कि उन्होंने जो है प्रोग्रेस को जो है ग्राफ कर लिया इन दिस साउथ। फिर अभी साउथ में क्या बोल रहे हैं, महाबलीपुरम, ओके, ममलापुरम वी सी पंचरथा। तो साउथ में हम क्या देख रहे हैं, महाबलीपुरम, तो अभी हम महाबलीपुरम देखेंगे। ओके, सो दिस इज महाबलीपुरम, कहाँ पे है, सिटी इन तमिलनाडु। ओके, तो महाबलीपुरम में वो बोल रहे हैं कि हम कौन देख रहे हैं, हम वहां पे पंचरथ देखते हैं, मंडप देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वाइल जो पल्लाज है, ओके, पल्लाज एंड देयर राइवल्स, ओके, तो वेस्टर्न चालुक्यंस आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर स्कल्पचर एक्टिविटीज। तो वेस्टर्न चालुक्यंस किसके लिए मतलब रिकग्नाइज हो रहे थे, उनकी जो स्कल्चरल एक्टिविटीज है उसके लिए। तो फिर चोलास एंड होसलास वुड बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर देयर टेम्पल प्रोजेक्ट। चोलास और होसलास जो है उनके टेम्पल प्रोजेक्ट के लिए हमेशा ये करते हैं। तो चोला का जो आर्टिस्ट है उसने एक्सेल किया था टेक्निक में ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड इंट्रिकेट मेटल स्कल्पचर्स। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग मैं आपको बताती हूँ, किसने किया था ये, चोलाज ने। ये देखिए, ये इसे क्या बोलते हैं, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग, मतलब ये जो स्कल्पचर होता है ये किसके ऊपर बनता है, आयरन के ऊपर, एक स्टील का मेटल होता है उसके ऊपर बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज कास्टिंग। तो ये किसने किया था, ये चोलाज ने, ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग की टेक्निक है, इंट्रिकेट मेटल वर्क। इंट्रिकेट मेटल वर्क मतलब ये जो बारीक काम होता है ना मेटल के ऊपर, ओके, जैसे अभी इसकी बियर्ड बनाई, ये बनाई, तो ये चोलाज का जब एम्पायर था तब जो है ये बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने लाया था इंट्रोडक्शन में, ओके। तो अभी स्कल्पचर्स विद डेलिकेट एंड रिदमिक बॉडी मूवमेंट्स, तो इन्होंने क्या किया था, अभी जैसे जो स्कल्पचर्स थे उनके, दे वेर लाइक, उनकी जो बॉडी मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा रिदमिक थी, मतलब उनके स्कल्पचर्स में एक फ्लो हमें देखने को मिलता था, राइट, उनकी बॉडी मूवमेंट अच्छी थी। फिर जो चोला का पीरियड था उन्होंने हमें कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स दिए, जैसे गंगो कोडा चोलुरीपुरम, तो अभी हम ये गंगा कोडा चोलुरीपुरम टेम्पल देखेंगे, गंगा गंगा कोंडा गंगा, या ये देखिए, ये एक टेम्पल है, तो यू कैन सी नंदी, ये कितना बड़ा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, ये ऐसे टेम्पल्स दिए हमें, बृहदेश्वर टेम्पल, अभी और एक टेम्पल है, बृहदेश्वर ओके। सो आप ये टेम्पल्स जब देख रहे हैं तो देख सक पाओगे कि ये टेम्पल्स जो है सब स्टोन स्ट्रक्चर से है और इसमें बहुत ज्यादा इंट्रिकेट वर्क्स है, बहुत ज्यादा कार्विंग जो है वो की गई है, और तब के बनाए गए टेम्पल जो है अभी तक दे आर स्टैंडिंग स्टिल। सो द आर्किटेक्चर लाइक वी कैन से इज अ मार्वल हियर, जस्ट लुक एट दिस टेम्पल। फिर वो बता रहे हैं कि ये जो टेम्पल्स है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, मॉन्यूमेंटेलिटी है, एक क्वालिटी उसमें बहुत ज्यादा अच्छी है ना। फिर बाद में वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं होसला आर्ट को, तो होसला आर्ट क्या है, वो एक मिक्स डिजाइन है, ओके, डिटेल स्टडी है। फिर ड्यूरिंग कब हुआ था ये होसला आर्ट इंट्रोड्यूस, जब होसला की जो किंग्स थे, ओके, वो उन्होंने रूल स्टार्ट किया,
उन्होंने भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टेम्पल प्रोजेक्ट्स है उनको अच्छे से शेप दिया। होसला पीरियड के जो है टेम्पल्स में स्कल्पचर्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, उनमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आ जाएगा। फिर ईस्टर्न पार्ट में हम देख रहे हैं गंगा रूलर्स, तो उन्होंने क्या किया, मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, तो अभी हम मुक्तेश्वर टेम्पल देखेंगे जो ईस्ट में बन रहे हैं। ये देखो ये ईस्ट में टेम्पल है, अभी हमने साउथ के देखे थे, ये ईस्ट के टेम्पल है। देखो गंगा रूलर्स नदी के बाजू में, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द टेम्पल। देन इन्होंने लिंगराजा टेम्पल दिया है, राजा रानी टेम्पल दिया है ओरिस्सा में। ये देखिए ये है लिंग राजा टेम्पल, सो ब्यूटीफुल इट इज, ओके। और राजा रानी टेम्पल, ये ईस्ट के टेम्पल है। ओके, तो सबका कंस्ट्रक्शन देखिए कैसा है, उसके ऊपर कार्विंग्स की गई है, देर आर ह्यूमन फिगर्स ऑन इट। फिर वो बोल रहे हैं राजा रानी टेम्पल ओडिशा में है। फिर पोर्टेंट इंडियन टेम्पल्स कांचीपुरम, चेन्नई, भुवनेश्वर, बंकुरा, बेलूर, हेलीबेद वेर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये और एक टेम्पल्स के नाम ले रहे हैं थोड़े से, तो आर्टिस्ट क्या बने थे, बहुत ज्यादा प्रोफिशियंट बने थे उनके कार्विंग में, टेक्निक्स में हमें दिख रहा है हम जब टेम्पल्स को देख रहे थे। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड था इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अभी हु इज देयर मारिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर पढ़ोगी प्लीज? After studying this lesson, पढ़िए। आवाज नहीं आ रहा है। नो नहीं आ रहा है। गौरवी आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर? पढ़िए तो। After studying this lesson, the learner will be able to describe in brief the art of the period from 7th century AD to 12th century AD. Identify the art objects of this period. Distinguish between enlisted art objects of this period. Mention the main characteristics of the enlisted art objects of this period and identify distinctly the names of enlisted art objects of this period. Okay. तो अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे, हम जो 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में कौन से आर्ट पीरियड था वो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे अच्छे से ब्रीफली। फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे आर्ट ऑब्जेक्ट्स और इसके जो पीरियड मतलब इस पीरियड में कौन से थे। फिर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कि ये ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इस पीरियड का ऑब्जेक्ट ये इस पीरियड का ऑब्जेक्ट है, हम बता पाएंगे। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके, वो हम बता पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखता है, ऐसे नहीं, इसमें तब ब्रॉन्ज कास्टिंग की गई थी, या फिर जब हमने लास्ट चैप्टर देखा, लास्ट चैप्टर में हमने तब ब्रॉन्ज कास्टिंग के ऊपर नहीं देखा, तो ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है मतलब 7th सेंचुरी के बाद आई है, तो वो आप ऐसे बता पाओगे। फिर आइडेंटिफाई डिस्टिंक्टली द नेम्स ऑफ एनलिस्टेड आर्ट ऑब्जेक्ट, तो मतलब हाँ कि नहीं, डांसिंग गर्ल जो है वो पहले आया था, ओके, बिफोर क्राइस्ट आया था, अभी ये वाला जो है ये आफ्टर क्राइस्ट आ गया है ना, डोमिनी में आ गया, तो आप ऐसे बता पाओगे। तो अभी हमारा जो
हम अभी देखेंगे. तो दिस ये जो है ये पूरा आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके देखिए. ये एक अर्जुनास पेनेंस का एक ऐसे फोर्ट टाइप में है. आप थोड़ा सा देखिए, एलिफेंट्स है, सबसे नीचे एक एलिफेंट है. आप देखोगे कि एक लाइक स्टोरी कुछ बता रहे हैं कि एक जो ऋषि टाइप दिख रहे हैं वो पेनेंस कर रहा है, या फिर एक मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ नागा की बॉडी में एक कार्विंग है. ओके फिर लाइक देर आर लॉट ऑफ कार्विंग्स इन इट. तो ये जो है आप अच्छे से ऑब्जर्व करो. प्रियंका, वुड यू लाइक टू रीड अर्जुनास पेनेंस प्लीज? मिस द टाइटल आल्सो. यस, इस टाइटल पढ़ना है. Arjuna's Penance of Gargavan Sanan. Title: Arjuna's Penance of Ganga Vartanan. Ganga Vartanan. Medium stone. Date: Pallava period, 7th century AD. Finding site: Mamallapuram, Chennai. Size: 91 feet into 152 feet approx. गंगावतरना, फिर मीडियम है इसका, स्टोन पे बनाया हमें दिख रहा है. ओके डेट कब है? पल्लवा पीरियड में. ओके सेवन सेंचुरी में एडी में. ओके एना डोमिनी में बनाया था. फिर फाइंडिंग साइट कहाँ पे? इसकी चेन्नई में है, ममलापुरम में. मतलब इसकी साइज देखो, साइज बहुत ज्यादा बड़ी है इसकी. तो 91 फीट बाय 152 फीट उसकी साइज बोल रहे हैं. और आर्टिस्ट हमें ऑब्वियसली पता नहीं है, इट इज वेरी अननोन. ओके बिकॉज तब किसने बनाया था, क्या बनाया था पता है. तो अभी ये जो मॉन्यूमेंट है ओके ऑफ पल्लवास कंसिस्ट, इसमें एक केव टेम्पल है. लाइक आप देख पा रहे हो, केव टेम्पल है, स्ट्रक्चरल टेम्पल है, प्लस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है इसमें. तो इसमें जो है बहुत ज्यादा स्कल्पचरल वर्क किया गया है. आप देख रहे हो कि वो जो पूरा जो स्टोन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्कल्पचर आपने दिख रहे हैं. कब? फ्रॉम ममलापुरम. द रिलीफ इज दैट टू ह्यूज बोल्डर्स. तो मतलब ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये ये देखिए, ये ऐसे दो जो ह्यूज बोल्डर्स है ना, उन्हें क्या किया है, कनेक्ट किया है. लाइक इट इज नॉट वन पीस. ओके एक ऐसा टू स्टोन्स के ऊपर जो है वो जो है इन्होंने स्कल्पचर्स जो है वो कार्व किए हैं. तो ये जो जो हम जो स्ट्रक्चर में देखें वो ही यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है. यस यस मारी, आई विल लाइक आस्क यू टू रीड. ओके फिर बाद में द स्कल्पचर हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अनइवन है. ऐसे पूरी तरीके से इवन नहीं है, मतलब ऊपर नीचे है. बट बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिप्रेजेंटेशन है. स्पॉन्टेनियस रिप्रेजेंटेशन जैसे हम यहाँ पे ना, मतलब मैं आपको इसको बताती हूँ. स्पॉन्टेनियस रिप्रेजेंटेशन ये एक ऐसे वर्ड यूज करें, बट यहाँ पे दिख रहा है हमें, मतलब जैसे हम डूडल नहीं करते, हमारी बुक रहती है, बुक के पीछे हम डूडल करते हैं आर्टिस्ट टाइप. तो वो ऐसे लग रहा है कि मतलब हाँ ठीक है, अर्जुनास का पेनेंस है गंगावत्रा का, बट अगर कोई आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट बस ये स्टोन्स के ऊपर क्या कर रहा है, डूडल कर रहा है, स्कल्पचर्स बना बना के, ये ऐसा स्कल्पचर है, ये स्टोरी है, ये वो स्टोरी है. तो उस तरीके से ये हम बोल सकते हैं इसको स्पॉन्टेनियस रिप्रेजेंटेशन है. इसमें ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं दिया गया है, मतलब दिया गया है स्टोरी बताने के लिए, बट एक बोलते हैं ना एक सिस्टमैटिक नहीं है. जैसे अभी ये देखिए, ये टेम्पल हमें कैसे दिख रहा है, सिस्टमैटिकली कार्व किया गया है, उसमें ज्योमेट्री है, इवननेस है, स्ट्रक्चर है, सब चीजें हैं. उसी प्रकार में इसमें जो है हमें वो दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिप्रेजेंटेशन. फिर देयर इज अ फ्लो इन दी होल कंपोजिशन. मतलब एक कंपोजिशन में फ्लो, जैसे हम डूडल करते करते नहीं बोलते कि ये स्टोरी है, ये वो स्टोरी है, तो उसमें से हमें फ्लो दिख रहा है. फिर वहां पे बता रहे हैं कि देयर इज अ क्राउड लाइफ, देयर इज अ क्राउड ऑफ लाइफ, साइज ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स. मतलब हमें क्राउड में दिख रहे हैं ह्यूमन फिगर्स दिख रहे हैं, एनिमल फिगर्स दिख रहे हैं हमें. दे इंक्लूड क्या क्या है उसमें, गॉड्स है, डेमी गॉड्स है,
सेजेस है, फ्लाइंग ऑल इन फ्लाइंग पोजिशन, मतलब हम ऐसे वो एकदम जमीन पे नहीं दिख रहे. ओके लाइक या सी दे आर लाइक ऐसे फ्लाइंग पोजिशन पे है, ऐसे कोई भी ऐसे ग्राउंड पे उसको बेस करके उन्होंने ऐसे बनाया नहीं, इट्स लाइक ऑल इन फ्लाइंग पोजिशन. ओके यहाँ पे भी देखिए ऐसे जमीन पे उनके पैर नहीं टिक रहे ऐसे, तो वही उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा ये जो ये है पेंटिंग है, इसमें ये जो चैप्टर है इसमें क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट. तो हमें बस जो आर्ट हम पहले के जमाने का देख रहे हैं उसकी तारीफ करनी है. आंसर लिखते हुए भी ये याद रखना है कि जो भी हमें क्वेश्चन आ रहा है तो उसके हमें बस तारीफ करनी है, उसे सहारना है. ओके, देयर इज अ क्लेफ्ट इन बिटवीन द टू बोल्डर्स. यस क्लेफ्ट है, मतलब ये देखिए दो बोल्डर्स है उसके बीच में जो है ना, ये एक बीच में ये ऐसे गड्ढे जैसा जा रहा है, तो उसे बोल रहे हैं क्लेफ्ट है उन दोनों के बीच में. फिर बता रहे हैं कि ऑल द फिगर्स आर शोन फेसिंग द क्लेफ्ट, मतलब जो ऐसे क्लेफ्ट बीच में आ रहा है सब फिगर्स क्या कर रही है, वो उसको फेस करते हुए बता रही है. तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसका भी जो फेस है इधर जा रहा है, ठीक है, इसका भी फेस जो है इधर जा रहा है, इसका भी फेस जो है इधर जा रहा है, किसी का फेस ऐसे इस साइड नहीं जा रहा है, ठीक है, सबका फेस जो है जो भी यहाँ पे है दे आर लाइक उनके जो फेसेस है ऐसे जा रहे हैं, इनका बस सामने दिख रहा है, बट ऐसे जो फेसेस है नॉर्मली ये देखिए, ओके ऐसे ही जा रहे हैं. या एलिफेंट का भी फेस वो क्लेफ्ट के साइड में ही जा रहा है, तो वही वो चीज क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें बता रहे हैं. दो देर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स एंड एनर्जी ऑन अपर पार्ट ऑफ द रिलीफ, द लोअर पार्ट ऑफ द कंपोजिशन द लाइफ शोन ऑलमोस्ट काम्स डाउन. तो मतलब ऊपर के जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा एक कंपोजिशन है, मूवमेंट है, बट नीचे के पार्ट में क्या कर रहा है वो जो लाइफ बता रही है, मतलब ऊपर के पार्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, जैसे अभी ये कोई एक तपस्या कर रहा है यहाँ पे. ओके ये मतलब कुछ ये तपस्या का ही बता रहे हैं, बट यहाँ पे जो है ये लाइफ नॉर्मल बता रही है, काम्स डाउन मतलब ये लेडी कुछ कर रही है या फिर ये ऐसे ही मतलब कुछ कर रहे हैं, छोटे से पेनेंस यहाँ पे भी बता रहे हैं, बट थोड़ी सी काम जो चीजें है यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे जो है एकदम ज्यादा मूवमेंट दिख रहा है ऊपर के जो पार्ट में. देन दे आर सेइंग the aesthetic figures in the crowd have shown meditating postures. तो जैसे ये जो postures है meditating, जैसे नहीं हम पहले की कथाएं सुनते हैं पुराने जमाने की, तो वो penance कैसे करते थे, एक पैर के ऊपर penance करते थे, meditate करते थे वैसे, तो वैसे हम दिख रहा है. The name of the relief according to some scholars, इसका मतलब जो ये paint sculpture है उसका जो नाम बोल रहे हैं गंगा वतरना, जो उसका मतलब है where Shiva has been receiving flow of Ganga in his hair. मतलब इसमें ऐसे बता रहे हैं कि शिव जी क्या कर रहे हैं उनके मतलब जटाओं में गंगा मतलब ये ले रहे हैं, धर ले रहे हैं. So here the to the right of the cleft there are four armed figures larger than the rest can be identified as Shiva by the trident over the shoulders and his group followers. तो मतलब ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम मतलब जिसके हाथ में ट्रिडेंट है, ओके मैंने पहले भी मतलब चार बार ये पेंटिंग देखी है, मुझे ना शिव जी रिकग्नाइज ही नहीं हुए, आपको होते हैं तो आप बता देना. मुझे पहले लगा कि यहाँ पे, बट मुझे उनके मतलब हाथ में ट्रिडेंट नहीं दिख रहा था. ओके फिर मैंने नेट पे भी जाके ये जो इमेज है शिव जी को फाइंड करने के लिए देखी, सो लाइक I was a little bit lost. So if you can find, like, please, you are like more than welcome. Okay, तो वो बता रहे हैं कि शिवजी का ट्रिडेंट है वहां पे. फिर मतलब ये जो दूसरे लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो है अर्जुना का पेनेंस है, जैसे अर्जुन को वरदान चाहिए था, तो वरदान चाहने से पहले उनको जो है बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी. तो मतलब इसलिए क्या कर रहे हैं ये जो फिगर में मेल फिगर बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसे लग रहा है. तो ये जो सब है ना ये अजम्पशंस है, क्योंकि हमें पता नहीं किसने बनाई है या क्या बनाई है, तो वो अज्यूम कर रहे हैं कि अर्जुना जो है मेडिटेशन कर रहे हैं. ओके सो ये दिस ये जो स्कल्पचर है डिस्टिंक्टली पल्लवा पीरियड का है, उसमें बहुत ज्यादा स्पीड है, मॉन्यूमेंटली है, स्कल्पचर्स के कैरेक्टराइजेशंस है, मंकी फिगर्स है, डियर
स्क्रैचिंग देयर नोज, अक्यूट स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, मतलब नेचुरल वर्ल्ड कैसा है उसकी भी बहुत अच्छे से, सॉफ्टनेस है थोड़ी सी, राउंडनेस है फिगर्स में, ओके, रिगार्डेड फॉर द एजेस ऑफ वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ द स्कल्पचर्स. तो बोल रहे हैं कि एक मास्टर पीस है ये स्कल्पचर इन द साउथ. ओके, इज दिस क्लियर एवरीबडी? अर्जुनास पेनेंस ऑफ गंगावतना. यस मैम. ओके, तो अभी मारिया कैन यू रीड दिस टाइटल? हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम 7th AD टू 12th AD. ये पढ़ना है ना मैम? ये जनरल, ये कृष्णाज माउंट गोवर्धन. बस आपको टाइटल, मीडियम, डेट, फाइंडिंग साइट पढ़ना है. आर्टिस्ट कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन. टाइटल कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन. मीडियम स्टोन. डेट होयसाला पीरियड. फाइंडिंग साइट वेलोर. साइज 3 फीट. आर्टिस्ट अननोन. ओके, तो अभी ये जो अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर, आप सब लोग ऑब्जर्व कर लो ये स्कल्पचर को. ये स्कल्पचर देखिए कितना इंट्रिकेट स्कल्पचर है. तो ये स्कल्पचर का नाम है कृष्णा सपोर्टिंग गोवर्धन. आपने सबने गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनी है कृष्ण की? सो मैं शॉर्ट में बताऊंगी. बाढ़ आ जाती है वृंदावन में, इंद्रदेव जो है वो आक्रमण करते हैं. तो कृष्णा क्या करते हैं, गोवर्धन हम अब उनकी जो छोटी उंगली पे लेते हैं और फिर जो सभी जो ब्रजवासी है उनको आश्रय देते हैं. तो ये वो स्टोरी के ऊपर ये जो है ये बनाया है. सो लाइक कृष्णा इज सपोर्टिंग द गोवर्धना. ये देखिए ऐसे बताया है. तो यस मैम, आई हैव हर्ड दिस स्टोरी. या बच्चों की स्टोरीज में होती है ये. तो अभी यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे बता रहे कि ये गोवर्धन है और गोवर्धन के नीचे अभी इधर कोई यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स है, कैटल्स है, काउज है, क्योंकि उन्होंने सबको आश्रय दिया था. ओके, और इसकी कार्विंग भी देख लो कितनी ज्यादा इंट्रिकेट है. तो ये बस इसमें बता रहे हैं कि अभी ये जो कृष्णा मीडियम जो है, कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धना स्टोन मीडियम है, हम देख पा रहे हैं. होसला पीरियड में बनाया था. फाइंडिंग साइट कहाँ पे मिली है? बेलूर में मिली है. 3 फीट का ही है ये बस. तो जनरल डिस्क्रिप्शन इसका है कि ये जो टेंपल आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, जो हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था. होसला पीरियड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी. उसमें बहुत ज्यादा इलैबरेट टेंपल आर्किटेक्चर. इलैबरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डिटेल्ड टेम्पल आर्किटेक्चर है. डेकोरेटेड स्कल्पचर्स है. उन्होंने क्या किया है, एक फेमस डायनेस्टी है ऑफ डेक्कन, ओके, जो इमर्जेंस में आ गई थी 11th century में. ओके, लाइक कंसिडर किया था कि 14th century तक वो एंड हो जाएंगे, बट उन्होंने उसमें थोड़े से बहुत ज्यादा डिटेलिंग लाने की कोशिश की. जो कैपिटल है ओके होसला किंग्स का वॉज वर्मा समुद्रा. ओके, मॉडर्न हेलीबेट. होसला स्टाइल जो है एक यूनिक है उसके खुद के वे में हमें दिख रहा है, क्योंकि कितना ज्यादा इंट्रिकेट वर्क है उसमें. फिर उसमें मतलब क्या क्या डिटेलिंग है इसमें, डीप कार्विंग है हमें दिख रहा है स्कल्पचर में, अंडर कटिंग है. ये वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं. सॉफ्ट रिदम्स है बॉडी में, बॉडी का काउंटरिंग किया गया है. डेलिकेट है, इंट्रिकेट डिजाइन, इंट्रिकेट मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड काम दिख रहा है हमें उसमें. ओके, तो स्टोन में सॉफ्टनेस आ रही है, रिच लुक आ रहा है उसका, टेक्सचर उसका अच्छा आ रहा है. फिर ये जो स्कल्पचर है, जो कृष्णा स्कल्पचर ओके, होसला का इंट्रिकेट कार्विंग उन्होंने किया गया है, तो उसमें अलग अलग लेयर्स में उसके जो इंसिडेंट है वो बताए रहे हैं. सेंट्रल फिगर यहाँ पे कृष्ण की है. फिर वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग वे में नरेशन कर रहे हैं वो जो स्टोरी है उसका. फिर कृष्णा क्या कर रहे हैं, एक हीरोइक फॉर्म में बताए गए हैं, स्टैंड हो रहे हैं एक विद हिज रिदमिक लिम्स, उनमें सॉफ्टनेस आ रहा है, कंपोजिशन आ रहा है, लाइवलीनेस है एनिमल्स फिगर्स उसके बाजू में जो है, बैल है, ज्वेलरी है, इंडियन हेयर स्टाइल्स है, कंपोजिशन है. तो ये सब चीजें हमें इस स्कल्पचर में देखेंगे. तो अभी मैंने ये जो बताया है तो देख लीजिए, जैसे वो खड़े हैं ओके, तो ये कर्वीनेस है, ये राउंडनेस है. फिर ये जो दूसरे ब्रजवासी भी यहाँ पे जो खड़े हैं उनमें भी देखिए एक अलग हेयर स्टाइल दिख रही है सबकी.
ओके, फिर यहाँ पे देखो बुलक्स है, काउज है, ज्यादा डिटेल में देखोगे तो आप देखोगे, तो यही जो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इसे क्या कर रहे हैं, सहार रहे हैं। इज दिस क्लियर एवरीबडी, कृष्णा की स्कल्पचर? यस ओके, अभी ये जो है नेक्स्ट स्कल्पचर भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो अभी ये जो चैप्टर है इसमें बस जो स्कल्पचर्स है, स्कल्पचर्स को कैसे कर्वी बनाया है, कैसे अट्रैक्टिव बनाया है, कैसे आर्टिस्ट का माइंड है कि जो स्कल्पचर है, जैसे अभी ये जो है ये हौसला पीरियड का है, तो हौसला पीरियड में क्या हो गई है, बहुत ज्यादा जो है डिटेल वर्क हो गया। देखो हमें कितना डिटेल डिटेल, छोटा 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 काम दिख रहा है, उसमें जो स्टोरी है वो नरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हौसला पीरियड का हो गया। अभी ये जो है हमने ये देखा था पल्लवा पीरियड का, पल्लवा पीरियड में हमने क्या देखा कि थोड़ा सा अनइवननेस था, बट ये जो स्टोरी जो है वो नरेट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये है सूरा सुंदरी फ्रॉम कोणार्क। ओके, तो अभी ये गंगा डायनेस्टी है, ये ईस्ट का है, ओके, ओरिस्सा का। तो अभी इसमें कैसे इन्होंने क्या चेंजेस है, क्या नहीं है, या फिर सेम है, हमें वैसे ही एक्सप्लेन करना है, हम वो देखेंगे। कौन है? सब लोग ज्वाइन कीजिए, 3 मिनट बाकी है, सो वी कैन टेक लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, अदरवाइज बीच में से मुझे एंड कर